शुभ सकाळ पिला माने ए सुविधा कार्यक्रम को तुम मान को स्वागत। पूर्व कालांश रे आमे जो वाक्य विचार विषय टे आलोचना करथुले तार आउ किछ अंश बाकी अछि से संपर्क रे आलोचना करिया। तेबे पूर्व कथा मु मध्य आउ टिके तुम मन पके दउछि। गोटे सार्थक वाक्य रो जो तीनोटी लक्षण थाय तार योग्यता थाय आकांक्षा थाय आसति थाय पद गुड़िक मध्य पारस्परिक संबंध को आम योग्यता कही था वाक्य मध्य पद अर्थबोधकता अन्य पद गुड़िक निर्भर कले आकांक्षा कह जाए एवं वाक्य जो पद गुड़िक व्यवहृत होता ता एक निर्दिष्ट क्रम व्यवहृत होगा आसक्ति कह जाए पद योजना को आसक्ति कह जाए। गोटे सार्थक वाक्यर ये सब लक्षण अच्छी। तेरे आज आमे आउ किसी कथा आलोचना करवा आम आलोचना करवा प्रथम वाक्यांश आम वाक्यांश आलोचना करवा वाक्यांश टी पे सन्धि विच्छेद कर दियो सन्धि विच्छेद कर दे कौन पाइब वाक्य युक्त अंश यू थ्रु तुम्हें जापर वाक्यांश क्या कह जाए वाक्य बुझा पड़ा निर्दिष्ट अंश को निर्दिष्ट कतोटी पद संहति को वाक्यांश कह जाए वाक्य बुझा पड़ा निर्दिष्ट अंश को निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश कहा जाए वाक्यांश कहा जाए। उदाहरण स्वरूप हरिहरंक कथा शुणी मा तेणिक कौन किसी कह जाए ना तेणु आपको आम एक वाक्यांश कह माने वाक्यर किसी अंश व निर्दिष्ट कतोटी पद संहति बुझा पड़ी मात्र परवर्ती कथा कौन होगा ताकि जानपरने तेणु ये हूँ वाक्यांश। या वाक्यांश कह जाए सेमती आउ गोटे उदाहरण मुझे घंटा बाजिला घंटा बाजिला अथच पिला माने तेणी क्या किसी लेखा ना या वाक्यांश कह कहीं वाक्य व्यवहृत होता केतोटी पद संहति प्रकाश पाई अन्य केतोटी पद संहति बुझा पड़ूना तेणु ये जेतोटी पद संहति प्रकाश पाई ताकि वाक्यर किसी अंश तेणु एगुड़िक हूँ वाक्यांश। जदि आम संपूर्ण वाक्य लिखा चाहिए तेल आम पूरण करवा हरिहरंक कथा शुणी मा आश्चर्य हेले आश्चर्य हेले सेपरि जो द्वितीय वाक्य लिखाई घंटा बाजिला अथच पिला माने बाजिला अथच
पिला माने श्रेणी को आसिले नहीं। ये दुईटी पिले है संपूर्ण वाक्य। हरिहर कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले संपूर्ण वाक्य। से हीपरी घंटा बाजिला अध्यक्ष पिला माने श्रेणी को आसिले नहीं संपूर्ण वाक्य। मात्र ऊपर जो दुईटी लिखाई है संपूर्ण वाक्य कहींपरानी ताकूम वाक्यांश कह कहीं वाक्यर किसी अंश व पदसमति प्रकाश पाई अन्न किसी प्रकाशित अगर कतोटी पदसमति प्रकाशित होना तेणु वाक्यांश पे जान लो। वाक्यांश पर आम जा खंडवाक्य कथा आलोचना करवा। वर्तमान आम देखा खंडवाक्य क्या कह जाए। खंडवाक्य जमी वाक्यांश मु तुमको कही तुम्हें सन्धि विच्छेद करदेव वाक्य युक्त अंश वाक्यांश मान वाक्य बुझा पड़ा निर्दिष्ट कतोटे अंश से खंडवाक्य भल भाव चिंता कर। खंडवाक्य खंडे वाक्य अच्छी मात्र से वाक्यटी संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर पारना किंतु खंडे वाक्य अच्छे। खंडे वाक्य अच्छे मैंने कर्ता थी समाविका क्रिया थी तेणु आम लिखा समस्त खंडवाक्य क्या कह प्रथम लिखि दौर समस्त वाक्यर समापिका क्रियाजुक्त अंश को खंडवाक्य कह जाए। खंडवाक्य कह जाए किंबा कर्ता ओ क्रिया थाई मध्य संपूर्ण अर्थ प्रकाश न कले ताकू खंडवाक्य कह जाए। ताकू खंडवाक्य कुआ जाए केमिति तार उदाहरण देवा। तार उदाहरण कौन देवा जे माने वृथारे समय काटती यहीपर्न आम लिखीचे साड़ू का लिखाई जो मैंने वृथारे समय काटती आ गोटे उदाहरण दूची मु जेते बेले तुम घर को ए दुईट उदाहरण देख जो मैंने वृथारे समय काटती जो मैंने कर्ता अच्छी काटती समापिका क्रिया अच्छी मात्र पूर्ण अर्थ प्रकाश करूना तेणु यह एक खंडवाक्य। द्वितीय वाक्य को देख मु कर्ता अच्छी देख द्वितीय वाक्य मुझे कर्ता से क्रिया समापिका क्रिया तेणु कर्ता एवं समापिका क्रिया थाई ये पूर्ण अर्थ प्रकाश करी करना
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କରିବା। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ତଳବାକ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲ, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା।